हेयर मोस्ट इफेक्टिव टू कंट्रोल द ब्लड शुगर किसी को अगर डायबिटीज है भी पहले तो डायबिटीज है तो क्या होगा सिम्टम्स होंगे दिक्कतें होंगी राइट उसके बाद ब्लड शुगर की रीडिंग होगी कितनी डाई से ऊपर डाई से ऊपर रीडिंग भी आ रही है और उसको दिक्कत भी है डिसकम्फर्ट भी है तो हो सकता है डायबिटीज़ पेशेंट हो सकता है कि अभी भी हो सकता है पेशेंट हो या नहीं हो अगर तो है तो क्या करना है उसके लिए जो सबसे बड़ी मेडिसिन सबसे बड़ी दवा जो शुगर लेवल को एकदम कंट्रोल कर देगा एकदम ही कंट्रोल कर देगा सबसे पावरफुल मेडिसिन दैट इज़ द ग्रीन लीव्स ये ग्रीन लीव्स हरे पत्ते कौन से हरे पत्ते कोई भी हरे पत्ते मूली के पत्ते पालक के पत्ते पुदीने के पत्ते धनिया के पत्ते पान के पत्ते आजकल तो सर्दी के मौसम में बहुत सारे पत्ते आ रहे हैं कोई भी पत्ता मान लो कोई इंसुलिन का पेशेंट है जो इंसुलिन लेता है और गलती से अगर वो पत्ते खाया पहले दिन ही तो उसकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और इंसुलिन की मात्रा अगर उसने उतनी ही रखी दो को कम नहीं किया तो वो सीधे हाइपोग्लेसिमिक स्टेज में आ जाएगा सो so, जो सबसे बड़ा दवा है दुनिया में जो डायबिटीज़ को या ब्लड शुगर को उसी वक्त कंट्रोल कर सकता है एक दो घंटे के अंदर ही उसका नाम है ग्रीन लीव्स सबसे बड़ी दवा इमीडिएट सेम डे काम करेगी और ये ये फ़र्क उनको दिखेगा ज़्यादा जो इंसुलिन डिपेंडेंट है अगर कोई 40 यूनिट लेता है तो देखेगा जैसी इसको इम्प्लीमेंट किया चालीस की जगह वो तीस यूनिट में ही उतना काम चल जा रहा है तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन राइट विच इज़ मच मोर पावरफुल देन एनी कन्वेंशनल इंसुलिन और एनी अदर मेडिसिन राइट जो जो भगवान का बना हुआ ये मेडिसिन है उसके बाद सेकेंड नंबर पर है वेजिटेबल्स सब्जियाँ कच्ची सब्जी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये वाली सब्ज़ी या वो वाली सब्ज़ी मैं बोल रहा हूँ कच्ची सब्ज़ी कोई भी चीज़ जो आप बोल सकें ये सब्जी में कैटेगराइज होता है तो वो ब्लड शुगर को इमीडिएटली पहले चार पाँच घंटे में ग्रीन लीव्स हैं जो दो घंटे में कंट्रोल कर देगा सब्जी है तो वो चार पाँच घंटे में कंट्रोल कर देगा कौन सी सब्जी ये आप पे है सीजनल जो भी वेजिटेबल आपको लगता है लेकिन वो कच्चा खाना पड़ेगा तो वो इमीडिएटली कंट्रोल कर देगा तो पहले तो कोई पेशेंट है कि नहीं है वो एक डाउट है अगर है भी तो कंट्रोल नहीं करने से मतलब है तो कंट्रोल करने की सबसे बड़ी दवा मैंने बताया सेकेंड नंबर पर वेजिटेबल है फिर थर्ड नंबर पर स्प्राउट्स है स्प्राउट्स इट विल टेक अबाउट सेवन एट आवर्स टू कंट्रोल द ब्लड शुगर अभी खाएंगे तो सात आठ घंटे बाद उसका नतीजा आपको दिख जाएगा उसके बाद नट्स है बादाम या कैशो नट या कोई भी मूंगफली कच्ची लेकिन कच्ची और पानी में भिगो लें तो और अच्छा और उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ फ्रूट्स फल वैसे तो नॉर्मली डायबिटीज़ के पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप फल नहीं खा सकते लेकिन आपको जान के हैरानी होगी फल के अंदर भी शुगर होता है लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है वो कभी एक्सपेरिमेंट करके मैं दिखाऊंगा आपको फल के अंदर जो शुगर होता है उसका नाम किसी कोई बता सकता है फ्रुक्टोज़ और फ्रक्टोस जो है वो ब्लड में घुलता ही नहीं घुलता ही नहीं ब्लड में फ्रुक्टोज़ सीधे ही इंटेस्टाइन से लीवर में चला जाता है तो फल का जो मीठापन है या शुगर है वो ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाता हम क्या बोलते हैं ब्लड ग्लूकोज बोलते हैं ब्लड फ्रुक्टोज बोलते हैं हम तो हम ब्लड फ्रुक्टोज क्यों नहीं बोल देते डॉक्टर ये बोलेगा व्हाट इज योर ब्लड ग्लूकोज कभी ये नहीं बोलेगा व्हाट इज़ योर ब्लड फ्रुक्टोस सुना कभी किसी ने तो फ्रुक्टोस बोलना चाहिए ना तो पहली बात तो ये है कि भाई हम फल नहीं खा सकते आम नहीं खा सकते मीठे फल नहीं खा सकते क्यों क्योंकि उसमें शुगर है हाँ है उस शुगर का नाम तो पूछो क्या है दैट इज़ फ्रक्टोस राइट तो फ्रक्टोस तो ब्लड में घुल नहीं सकता वो वो उसमें उस तरह की के केमिस्ट्री है ही नहीं तो वो ब्लड शुगर को बढ़ा नहीं सकता बल्कि वो लीवर में जाता है और उसके बाद वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो वो उल्टा हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए और फ़ायदेमंद है यहाँ पे आप में से कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जो कभी पेशेंट थे लेकिन अब उन्होंने रोज़ के रोज़ किलो के किलो आम आम खा के केले खा के अपनी डायबिटीज़ को ठीक कर लिया है कोई यहाँ पे हाँ यहाँ पे एक है यहाँ पे दो है यहाँ पे तीन है यहाँ पे चार हैं पाँच हैं यहाँ पे छः हैं सात हैं तो मतलब ये है कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे डॉक्टर की नॉलेज खत्म होती है वहीं से हमारे डायबिटीज एजुकेट नॉलेज शुरू होती है तो ये एक साइंस है कि फ्रूट कैन नॉट इंक्रीज द शुगर वाई बिकॉज उसके अंदर जो शुगर होता है वो अलग ढंग का होता है और वो कभी ब्लड में घुलता ही नहीं है ग्लूकोज भी होता है फ्रूट के अंदर बट वो बहुत लिमिटेड होता है वो तो हर जगह होता है राइट right? सो so, लेकिन ये दवा है जब भी कोई दवा किसी को मिलती है तो दवा का एक डोज होता है उस डोज पर वो काम करेगा तो ये हमारी दवा है तो ये कोई बोलेगा कि ये तो मैं भी खाता हूँ रोजी खाता हूँ तो मैं डायबिटिक पेशेंट क्यों पिछले बीस साल से राइट डोज इज इंपॉर्टेंट कितने डोज में मैं लूँ ताकि वो मुझे मेरे ब्लड शुगर को मेरे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करे तो उसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ द नेक्स्ट स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड हम नॉर्मली इसको बोलते हैं डीआईपी डाइट डीआईपी डाइट क्यों बोलते हैं ये जो हमारे डायबिटीज एजुकेटर्स हैं उन सबको तो ये पता है कि वाईट इज कॉल्ड डीआईपी डाइट और जो जो मेरी ट्रेनिंग पहली बार देख रहे हैं वो कितने लोग हैं ओके ठीक है okay, तो आप तो डी आई पी डाइट क्या है वो वाला पार्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए जब यहाँ से जाएंगे तो मेरे जो पिछली ट्रेनिंग की जो डी है वो आपको यहाँ पर काउंटर मिल जाएगा वो लेते हुए जाइएगा तो ताकि ये कनेक्शन बन जाए थोड़ा सा मिसिंग लिंक है राइट लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में बट डीआईपी का हिस्ट्री क्या है वो समझने के लिए एक डीवीडी है तीन घंटे की वो यहाँ से लेते हुए जाएंगे वो घर जाके देख लीजिए सो दैट विल सर्व द पर्पस सो दिस विल वर्क एज ए मेडिसिन ये दवा की तरह काम करेगा जब आप इसको एक राइट right डोज में लेंगे तब तो राइट right डोज कैसे डिसाइड करें उसके फॉर्मूला क्या है दैट इज द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड दिस इज द राइट डोज वेजिटेबल तो लेना है कितना आपके बॉडी का एक परसेंट बॉडी वेट का राइट right. तो जैसे कोई सौ किलो का है तो कितना किलो लेना पड़ेगा वन के राइट तो ग्रीन लीव लेना तो है लेकिन कितना लेना है आपके बॉडी के वेट का पॉइंट वन परसेंट ऑनली देन इट विल वर्क एज ए मेडिसिन तभी वो मेडिसिन की तरह काम करेगा तो मान लो कोई सौ किलो का आदमी है तो कितना वो ग्रीन लीव लेना पड़ेगा उसको हंड्रेड ग्राम मिनिमम हंड्रेड ग्राम राइट तो ये रूल है तो पहली बात तो ये कि हमें खाना है क्या खाना है वो देख लिया लेकिन वो काम नहीं कर रहा कई सारे पेशेंट बोलेंगे लेकिन काम क्यों नहीं कर रहा बिकॉज वो राइट right डोज पे नहीं ले रहे हैं व्हाट इज द डोज हाउ टू डिसाइड फॉर ए पेशेंट तो ये अपने लिए आप डोज कैलकुलेट कर सकते हैं या किसी और के लिए आप डोज कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए जस्ट एक वन स्लाइड इज एनफ टू कैलकुलेट द डोज और ये जो डोजेज मैंने ये है ये सिर्फ ब्लड शुगर के लिए नहीं है ब्लड शुगर को चौबीस घंटे में कंट्रोल कर देगा ये चौबीस घंटे से तीन दिन के अंदर और ब्लड प्रेशर को तीन से सात दिन के अंदर कंट्रोल कर देगा सेम थिंग सो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसको आपको ये वार्निंग देनी पड़ेगी कि अगर आप इसके मुताबिक चलेंगे तो सात दिन में आपको ब्लड प्रेशर की दवाई को या तो टेपर करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा वाई बिकॉज अगर नहीं छोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट बन जाएगा राइट सो इट इज सो पावरफुल दैट द वार्निंग इज दे हैव टू आईदर टेपर द मेडिसिन और दे हैव टू स्टॉप द मेडिसिन ऑल टूगेदर राइट सो ना अभी हम बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जो एकदम दवा से भी ज्यादा स्ट्रांगली ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के बल्कि आपके अंदर के बॉडी के रिपेयर करके फॉर एग्जाम्पल बॉडी में एक केमिकल होता है जो बनता है जो शुगर को कंट्रोल करता है वट इज़ दैट एक हॉर्मोन इंसुलिन अब इंसुलिन को बनाने के लिए कुछ वर्कर होते हैं उनका नाम क्या है बीटा सेल देखिए हम में से बहुत कम लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे लेकिन ये बीटा सेल ये सारे कुछ टेक्नोलॉजी वो रटा दिया है डॉक्टर ने रटा दिया है और ये भी रटा दिया कि बीटा सेल कभी दोबारा बन नहीं सकते जरा सोचिए बॉडी बो, के सारे सेल्स दोबारा बनते हैं ब्लड सेल हर तीन चार महीने में बनता है स्किन के सेल बनते ही रहते हैं हेयर बनता है नाखून बनता है ऐसा कोई सेल नहीं है ब्रेन के कुछ सेल को छोड़ के जो कि दोबारा नए नहीं, नहीं बनते तो बीटा सेल दोबारा क्यों नहीं बन सकते है? बीटा सेल दोबारा बन सकते हैं एक कंडीशन बन सकते हैं जब आप बॉडी को रिपेयर करने के लिए इस डोजेस में खाना कुछ दिन तक देंगे तो बीटा सेल दोबारा बनने लगते हैं इट बॉडी इज एबल टू क्रिएट ए न्यू बीटा सेल लेकिन इसका उल्टा करें तो बीटा सेल मरते हैं सबके बॉडी में because कोई सेल ऐसा नहीं जो एक बार बना और सौ साल तक रहा वो मरेगा फिर नया सेल आएगा फिर वो मरेगाट वॉट यू नो हर ग्यारह साल में हम एक नए इंसान बन जाते हैं क्योंकि ग्यारहवें साल तक हमारे बॉडी के सारे सेल्स एक बार चेंज हो चुके हैं तो हम ब्रांड न्यू बनते हैं फॉर एवरी आफ्टर एवरी इलेवन ईयर्स इंक्लूडिंग द बीटा सेल तो बीटा सेल मरते हैं ट्रू लेकिन नए बन सकते हैं वो भी ट्रू है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए दोस्तों के साथ अपने रिलेटिव्स के साथ जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि हो सकता है उनको ये वीडियो आपसे ज़्यादा ज़रूरत हो अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के राइट साइड में नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के राइट साइड में एक बेल आइकन आ जाएगा उसको भी प्रेस करके ही ओपन कर दीजिए और उसके बाद ऑल को प्रेस कर दीजिए ताकि इसमें कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ डालता हूँ या तो कोई भी हेल्थ से संबंधित कोई भी वीडियोज डालता हूँ तो उन सारा वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और वो वीडियो देखने का मौका सबसे पहले आपको ही मिले विश ऑल द बेस्ट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय बाय